गोरखपुर जिले में शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपस्थली गोरक्षपीठ में शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा से जारी अनुष्ठानिक कार्यक्रम गुरुवार से और विशिष्टता की ओर अग्रसर होंगे। बता दें कि गुरुवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनवरत 3 दिन अनुष्ठान और आराधना में लीन रहेंगे। अष्टमी की शाम वह गोरक्षपीठ के पारंपरिक निशा पूजा में सम्मिलित होंगे, जबकि शुक्रवार को नवमी तिथि पर उनके द्वारा कन्या पूजन का अनुष्ठान किया जाएगा। नवरात्र की पूर्णता के बाद दशहरे के दिन गुरु गोरक्षनाथ की विशिष्ट पूजा कर गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली विजयादशमी शोभा यात्रा की अगुवाई भी करेंगे। जानकारी के अनुसार गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी विजयादशमी के दिन शनिवार शाम गोरखनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन में सवार होंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे।